वेलकम प्यारे बच्चों। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 14 साइंस क्लास 7 के लिए। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इनके बारे में हम लोग काफी कुछ पढ़ेंगे और पहले भी पढ़ रहे थे। आप लोग पिछले वर्कशीट को जरूर देखिएगा वीडियोस के माध्यम से। एसिड्स क्या होते हैं बेटा? केमिकल कंपाउंड, वो केमिकल कंपाउंड है जो कि सोर यानी ये खट्टे होते हैं टेस्ट में और ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। दे आर यूजफुल, बहुत तरीके से यूजफुल है हमारे लिए। जैसे दे आर एसिडिक इन नेचर, इनका नेचर एसिडिक होता है। हमारे स्टमक में, हमारे पेट के अंदर भी एसिड होता है। उस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बहुत जरूरी है फूड के डाइजेशन के लिए। कुछ एसिड्स नेचर में मिलते हैं जैसे एप्पल में, लेमन में, ऑरेंज में, टोमेटो में, ठीक है। जबकि कर्ड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, विनेगर आर सम एग्जांपल ऑफ मैनमेड सब्सटेंस। ये मैनमेड सब्सटेंस है, ठीक है बच्चे, कंटेनिंग एसिड। इनमें भी एसिड होता है लेकिन ये मैनमेड होते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कॉमनली नोन एसिड हैं जो कि यूज होते हैं वेरियस फील्ड्स में। तो हमने दो तरह की बातें पढ़ी, एक तो हमने एसिड जाना और एक नेचुरल एसिड कौन से होते हैं और मैनमेड कौन से होते हैं। जो एसिड मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें मैनमेड बोलते हैं, जो नेचर में पाए जाते हैं उन्हें नेचुरल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, एसिडिक एसिड है ये किसमें पाया जाता है? विनेगर, सिरका में, और सिरका क्या है? मैनमेड है। फॉर्मिक एसिड एंट के स्टिंग में पाया जाता है, ये तो नेचुरल रूप से है, ठीक है, डंक में। सिट्रिक एसिड सिट्रस फल में है, नेचुरल है। देखिए ये मैनमेड हो गया, एम लिख देती है मैनमेड, ये नेचुरल है, नेचुरल है। लैक्टिक एसिड दही में होता है, तो दही तो इंसान जमाता है ना, तो ये मैनमेड हो गया। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच पालक में होता है, तो ये नेचुरल हो गया, ठीक है। एस्कॉर्बिक आंवला सिट्रस फ्रूट में, ये भी नेचुरल हो गया। टार्टरिक ग्रेप्स अनराइप मैंगो में, ये भी नेचुरल। तो कोई भी दो एसिड के नाम हम मैनमेड या नेचुरल यहां से बता सकते हैं। चलिए बेस समझते हैं। बेस इसका उल्टा है, वो बिटर होते हैं टेस्ट में, कड़वे होते हैं, सोपी होते हैं टच करने में। आप सर्फ और साबुन को देख सकते हैं ना, उनको बेस होता है, तो चिकना चिकना होता है यानी चिकना होते हैं ये। और ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। दे आर बेसिक इन नेचर, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ कॉमन एग्जाम्पल है बेस के। सोप, डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट, इन सब में बेस होता है। टूथपेस्ट हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे मुंह में एसिड बढ़ जाता है, खाना खाने से कैविटी हो जाती है, तो इसी वजह से टूथपेस्ट यानी बेस होता है जो कि एसिड को न्यूट्रल करता है। साबुन में इसलिए यूज होता है कि मैल वगैरह होते हैं उनको साफ करने में। बेकिंग पाउडर भी खाने में इसीलिए आता है कि एसिड को थोड़ा सा कम रखे। समझ में आ रहा है सब चीजें क्यों है? इफ यू रब अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा विद आवर फिंगर, हम अगर बेकिंग सोडा को अपने फिंगर पे रब करें तो हमें चिकना चिकना नजर आएगा। इससे पता चलता है कि बेस जो है वो उसमें बेस है, वो बेस है नेचर में। अच्छा, कुछ बेस है यहाँ पे दिखा रखा है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर को साफ करने में होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में होता है। नाउ नेम टू ऑर्गेनिक एसिड नेचुरली अकर, जो कि नेचर में पाए जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो आप कोई से भी दो बता सकते हैं, जैसे कि आप देखिए पालक है, आंवला है, आप इनको बता दीजिए ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। बस कोई भी दो नेचुरल बताने हैं, ठीक है बेटा। विच एसिड इज प्रोड्यूस इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है, तो हमें वो देखना है। इसको नहीं देखना है आपको, ठीक है, इसको मैंने यूनिट रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। नाउ गिव वन करेक्टर स्टिक्स प्रॉपरली प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड की कोई भी एक करेक्टर बताना, ऊपर आया हुआ था ना कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू को रेड में बदलते हैं। अब नाउ एक करेक्टर बताना है बेस का, तो हमने तो बहुत सारी बता दी। देखिए बेस आर बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में कड़वे होते हैं, सोपी भी होते हैं टच करने में, और रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। तो ये सारा ऊपर भी आया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिड एंड विच आर बेसिक। तो ए फॉर एसिड लिखूंगे, बी फॉर बेस लिखेंगे। लाइम वाटर, बताइए
लाइम यानी कि चूना, चूना क्या होता है, बेस होता है, तो ये क्या है, बेस है, बी फोर बेस। विनेगर सिरका, सिरका हमने पढ़ा था एसिड होता है। टूथपेस्ट अभी हमने बताया था कि एसिड को कम करने के लिए होता है यानी बेस है। स्टमक जूस यानी पेट का जूस जो है वो एसिड है। लेमन जूस एसिड है, खट्टा फल जो भी होगा एसिड होगा। बेकिंग सोडा, बी फोर बेकिंग सोडा बेस है, ठीक है, खाने का सोडा सोल्यूशन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ये भी बेस है। और अमोनिया का सोल्यूशन, अमोनिया क्या है, ये भी बेस है। तो ये हमने एसिड और बेस में कर लिया है। आप इसको आराम से ऐसे एसिड लिख के और उसके आगे सारे नाम लिख सकते हैं, और बेस लिख के उसके आगे सारे नाम लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बच्चे? तो आप लोग बताइएगा कि हमारे पेट में एक एसिड पाया जाता है, उस एसिड का नाम क्या है। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो चलिए, बाय बाय, फिर मिलते हैं। जय हिंद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।